Hello everyone, so welcome or welcome back to my channel. So guys, I'm back again with another video and I hope आप तो समझ ही गए होंगे कि ये video किस regarding है. So yes, this video is regarding Kalgoorlie's University की placements, like actual placement rate क्या है और कौन कौन सी companies आती हैं. As you all know कि प्लेसमेंट्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है, आई गेस सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपने फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे एंड फाइनल ईयर वालों आपके तो प्लेसमेंट्स चल रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम है ये प्लेसमेंट्स का. सो या आज हम बात करेंगे Kalgoorlie's यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स की क्या रियलिटी है, लाइक जो ये लोग अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं, जितना प्लेसमेंट बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो सच है या फिर 50-50 है या बिल्कुल झूठ है. सो या लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मास रिक्रूटर कंपनीज, जो कि आपने सुना होगा मास रिक्रूटर्स कंपनियाँ आती हैं और सारे बच्चों को लेके जाती हैं. और यस, दैट्स ट्रू, यहाँ पर भी मास रिक्रूटर्स आते हैं. मास रिक्रूटर्स में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, लाइक इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, माइंडट्री, बहुत सारी कंपनियाँ हैं. और इनके जो एवरेज पैकेजेस होते हैं दे आर लाइक 3.5 LPA, 4 LPA और 5, या इन्हीं के बीच में होते हैं बिकॉज दीज कंपनीज आर मास रिक्रूटर्स. तो या बल्क में इनकी ये कंपनियाँ हायरिंग्स करती हैं एंड यस, पहले बहुत सारी, मतलब ये कंपनीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर करती थी. बट इफ़ आई टॉक अबाउट 2023 का प्लेसमेंट, तो इस सेशन में बल्क हायरिंग भी नहीं हुई है. कुछ स्टूडेंट्स का हुआ भी था बट ऑफर लेटर नहीं मिला उन्हें, या कुछ ही बच्चों को मिला है, लाइक सेलेक्टेड हो गए थे 120-150 एक ही कंपनी में, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाई. सो या ये 2023 की बात कर रही हूँ मैं, और इस साल भी देखते हैं क्या होता है, बट इस साल का भी रेशियो यही रहने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मास रिक्रूटर्स. यस, मास रिक्रूटर्स सबका मसीहा. तो मास रिक्रूटर कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, आपको भी पता होगा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, माइंडट्री, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मास रिक्रूटमेंट करती हैं और दे प्रोवाइड पैकेज ऑफ 3.5 LPA टू 6 LPA. इन्हीं के बीच में इनका पैकेज रहता है जो कि एवरेज पैकेज है हमारी यूनिवर्सिटी का भी. और यस, दे गिव दीज डिसेंट पैकेजेस. सो अगर मैं बात करूँ 2023 से पहले वाले बैचेस की, तो बहुत अच्छी हायरिंग्स होती थी. इवन हमारे Kalgoorlie से भी काफ़ी बच्चे हायर होते थे. 2022 में बहुत अच्छी हायरिंग्स हुई थी. एसेंचर ने बहुत सारे बच्चों को हायर किया था, कॉग्निजेंट ने भी किया था, इन्फोसिस ने भी किया था. बट इफ़ आई टॉक अबाउट 2023, तो 2023 वाला जो हमारा बैच था उसमें, जो 2023 वाला हमारा बैच था उसमें इन कंपनीज़ ने बहुत कम हायरिंग की है. लाइक सेलेक्ट तो हुए थे स्टूडेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजंस थे उनकी वजह से उनकी प्लेसमेंट कंफर्म नहीं हो पाई. ओके, सो या इस साल भी देखते हैं क्या सीन रहता है. जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप बताओ कि क्या सीन चल रहा है आपके प्लेसमेंट्स का, कौन कौन सी कंपनीज़ आ गई हैं और कौन सी आने वाली हैं. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट मास रिक्रूटर कंपनीज़. सो गाइज़, ये तो बात हो गई मास रिक्रूटर कंपनीज़ की, बट अब हम बात करते हैं कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ की जो कि Kalgoorlie's यूनिवर्सिटी में विज़िट करती हैं. तो कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ भी आती हैं एंड उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना स्टूडेंट से, वो बहुत हाई रहती हैं. लाइक अगर आप कंपेयर करोगे इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और ये अच्छी टॉप 10 कंपनीज़ से, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा होती है. बट दे प्रोवाइड पैकेज विच इज़ वेरी लेस, लाइक 2.5 LPA, 3 LPA, 4, मतलब, और उस पैकेज में आपसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं रहती है. आई रिमेम्बर मेरे कुछ फ्रेंड्स का हुआ था एक ऐसे ही स्टार्टअप में एंड दे गॉट सेलेक्टेड बिकॉज उस टाइम पे प्लेसमेंट्स बहुत ही कम हो रहे थे. 2023 की बात कर रही हूँ मैं. तो उस हमारे सेशन, जब हमारा सेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स बहुत कम हुए थे, बच्चे बहुत परेशान थे, इसीलिए जो भी कंपनीज आ रही थी उसमें वो अगर कोई हायर कर रहा है तो वो चले जाते थे. तो क्या हुआ कि दे गॉट सेलेक्टेड इन एन स्टार्टअप, तो उन्होंने पैकेज जो प्रोवाइड किया था वो था 4.5 समथिंग LPA का, बट
इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हाइड होती हैं, आपको नहीं पता होता है, पर जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें कुछ 16K पर मंथ मिले स्टार्टिंग में इन द ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद एक साल हो गया अभी उन्हें वहाँ पे काम करते हुए और उन्हें कोई और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने वो क्विट भी नहीं किया। बट आप बिलीव करोगे, 6 months की ट्रेनिंग के बाद भी उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो कि था कि 6 months की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो कंपनी ने सीधे ये बोला कि वी विल डू इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। यस, एक ये वर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, और ये कह के निकल लेते हैं। तो ऐसा ऐसा भी होता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, बी अवेयर, जो भी कंपनी आपको कुछ प्रोमिसज करती है प्लीज़ उनसे पहले ही बात कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। और हाँ, ये बॉन्ड भी साइन करवाते हैं, कुछ बॉन्ड्स लीगल भी होते हैं, मतलब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, छोड़ो। तो या प्लीज़ बी अवेयर कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आगे चल के आपके साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। सो प्लीज़ स्टे अवेयर। अब हम बात करते हैं टॉप कंपनीज़ की, जो कि अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं गलगोटियाज़ में, आपने सुना होगा एंड सच भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज़ प्लेसमेंट्स होते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। 10 LPA का पैकेज भी लगता है, 15 का भी लगता है, 25 का भी लगता है, बट बहुत रेयरली, बहुत कम बच्चों का। आप एक बात बताओ, अगर आपके बैच में, जैसे मेरे बैच में 900 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें अगर किन्हीं 3 बच्चों का लग रहा है सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का, वो भी टॉप कंपनीज में जिसका पैकेज है 25 LPA और 20 LPA, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि 100% प्लेसमेंट या 50% स्टूडेंट्स गेट दीज अपॉर्चुनिटीज़, नो राइट। तो ऐसा होता है, बच्चे लाते हैं प्लेसमेंट्स, खुद की मेहनत से करते हैं, खुद की मेहनत से सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, और इसके बाद होता क्या है, यूनिवर्सिटी का मन से कि हमने दिलवाई है नौकरी। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। और जो आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर्स में कि गलगोटियाज़ का बच्चा 50 LPA मिला है उसे, इतना CTC, तो सच है, बट इसके पीछे भी बैक स्टोरी होती है। आप ये मान के मत चलो कि हमने एडमिशन ले लिया, अटेंडेंस पूरी कर ली, एग्ज़ाम में नंबर लिया एंड चलो नौकरी लग गई हमारी, ऐसा नहीं होता है, रियलिटी इज़ वेरी मच डिफरेंट। गाइस, अभी तक हमने जो बातें की हैं दैट वाज फॉर BCA, BTech, CSE एंड IT फील्ड वालों के लिए था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो अदर देन CSE स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है। तो आई मस्ट से कि हाँ, और भी स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड। इफ़ आई टॉक अबाउट जो मेडिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनकी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी लगवाते हैं गलगोटियाज़ वाले। येस, दैट्स ट्रू, बिकॉज मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात की थी एंड येस, दे गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो फेलोशिप, येस फेलोशिप्स मिलती हैं उनको, अच्छे हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं एंड उसके बाद उनका करियर डिपेंड करता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में लग रहे हैं। सो या उस फील्ड के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ, जितना दिखाते हैं उतना तो नहीं, बट हाँ, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो और भी बीटेक के कोर्सेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इनका क्या सीन रहता है। तो आई मस्ट टेल यू, इन्होंने पढ़ाई चाहे जो भी करी हो, एट द एंड इनकी कुछ कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, नहीं होती हैं, डजेंट मैटर, बट इनकी भी प्लेसमेंट्स IT फील्ड में ही जाके होती हैं, और ये भी हमारे साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं। जस्ट इमेजिन गाइस, जो CS की पढ़ाई कर रखी है, CSE पढ़ रखी है जिन स्टूडेंट्स ने, एंड वो स्टूडेंट्स जो इतने मतलब मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, जिन्होंने बहुत ही टफ पढ़ाई कर रखी है, बिकॉज़ इनके में मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, और वो भी अब बस IT वाली ही एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो इनका कंपनीज़ का कौन सी कंपनीज़ होती हैं, तो आई मस्ट टेल यू, ये जाते हैं सेल्स में, रिक्रूटमेंट में, कुछ ऐसे जो प्रोफाइल्स होती हैं इनमें जाते हैं, और इन्हीं प्रोफाइल्स में सेल्स में हमारे CS के भी बच्चे जाते हैं। आई गेस 40-45% कंपनीज जो आती हैं ना हमारे कैंपस ड्राइव में, वो आती हैं सेल्स की, यस, क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, आई गेस, यस। तो
इन प्रोफाइल्स में MBA के स्टूडेंट्स, BTech, CSE, ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ BTech, ये सारे स्टूडेंट्स सभी को सेलेक्ट करते हैं. बट यस, आई मस्ट से कि इन प्रोफाइल्स में ना पैकेजेस बहुत डिसेंट मिलता है स्टूडेंट्स को. प्लेसमेंट्स ऑफ GU आर नॉट 100%, बट यस 40-50% स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड, ये तो कहूँगी मैं. एंड वो भी अपनी मतलब बहुत ही अच्छी हुई किसी प्रोफाइल में नहीं जा रहे होते हैं. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, लाइक 20% स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं या बहुत अच्छी प्रोफाइल में, अच्छे पैकेज में जा रहे हैं. तो यस, ये 100% प्लेसमेंट कहना बंद करो. आप उसको, ये उसको भी प्लेसमेंट काउंट करते हैं अगर कोई स्टूडेंट 2 LPA पे लग रहा है. जस्ट इमेजिन गाइज, आपने पढ़ाई की है, आपने 12 लाख रुपये अपनी BTech में लगाए हैं, देन आपको प्लेसमेंट मिल रही है 2-2.5 लाख रुपये वाली. तो मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही, बट दिस इज़ नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं है. अगर आप नोएडा जैसे सिटी में रह रहे हो या दिल्ली में आपकी जॉब लगी है, गुड़गांव में लगी है, और आपका ये पैकेज है 3 LPA और 3.5, कैसे सर्वाइव करोगे आप? दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट यूनिवर्सिटी को तो अपना प्लेसमेंट रेट दिखाना है, तो वो तो दिखाएंगे. और मुझे नहीं पता इस साल की प्लेसमेंट्स का क्या सीन होने वाला है. और जो मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा. मेरे बैच में तो कुछ भी नहीं था. 900 बच्चे क्या होते हैं, कुछ नहीं होता यार. अभी देखो 10x स्टूडेंट्स आ गए हैं. तो यार देखते हैं कि इस साल की प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है. वैसे आई एम इन टच विद सम स्टूडेंट्स, तो मैं अगर मेरी उनसे कोई बात होती है या क्या प्लेसमेंट का सीन है, तो उसके बेसिस पे देन आई विल लेट यू नो कि इस साल की प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहा है. सो गाइज, बस बहुत हो गया. और ये सारी बातें करके मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको मोरल डाउन करूं. बस मैं आपको रियलिटी बता रही थी कि हाँ, जो ये कहते हैं उस पे, उसके भरोसे मत रहो. आप यूनिवर्सिटी में जब तक रहोगे, आई नो आप अटेंडेंस इशू, क्लासेस करनी या नहीं करनी, असाइनमेंट सबमिट करना या नहीं करना, लैब करनी या नहीं करनी, इन्हीं सब में अटके पड़े रहोगे. एंड एट द एंड आपका फाइनल ईयर आ जाएगा और फिर प्लेसमेंट्स. So guys, here is our university's most followed page, Everything Kalgotias. और यहाँ पर आपको सारे recent updates मिलते रहेंगे, because बहुत ही frequently post होते हैं यहाँ पर जो भी university में चल रहा है, जो भी events चल रहे हैं या कुछ भी. तो you will get all the details here. So don't forget to follow this page, Everything Kalgotias. सो अकॉर्डिंग टू मी, प्लेसमेंट्स डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड देयर स्किल्स, कि उनकी क्या स्किल्स हैं, वो कैसे किसी चीज़ को टैकल करते हैं, या कितना उनको इंडस्ट्री नॉलेज है, उसके बेसिस पे होती हैं प्लेसमेंट्स. तो अगर आप अभी भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे. ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी के भरोसे रहना है. यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस 2, रेफरेंसेस लगवाओ, और हाँ, इंडस्ट्री रेडी हो जाओ, स्किल्स बिल्ड करो, बस सब हो जाएगा. डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट गाइज. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. डू लेट मी नो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे और क्या रियलिटी लगती है आपको. अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, तो आपके प्लेसमेंट्स का क्या सीन चल रहा है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप उसे भी कॉमेंट डाउन करो. एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं मैसेजेस देखती हूँ, भले थोड़ी देर बाद देखूँ, बट या मैं ज़रूर देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ. तो वी विल कनेक्ट देयर. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू, बाय.